चंद्रयान 2 को लेकर बेहद बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चांद की सतह पर लैंडर विक्रम की सटीक लोकेशन का पता लगा लिया गया है। ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर की एक थर्मल इमेज भी क्लिक की है। ये बात खुद इसरो के प्रमुख के सिवन ने कही है। इसरो प्रमुख ने कहा कि हालांकि लैंडर विक्रम से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है, टीम लैंडर विक्रम से कम्युनिकेशन स्थापित करने की लगातार कोशिश कर रही है। जल्द ही संपर्क स्थापित हो जाएगा। ये खबर चंद्रयान 2 मिशन के आंशिक तौर पर विफल होने के बाद बहुत बड़ी राहत के तौर पर देखी जा रही है। ये भी खबर है कि विक्रम लैंडर लैंडिंग वाली जगह से 500 मीटर दूर पड़ा है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में लगे ऑप्टिकल हाई रेजोल्यूशन कैमरा यानी OHRC ने विक्रम लैंडर की तस्वीर ली है। बेंगलुरु स्थित इसरो सेंटर से लगातार विक्रम लैंडर और ऑर्बिटर को संदेश भेजा जा रहा है ताकि कम्युनिकेशन शुरू किया जा सके। भविष्य में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर कितना काम करेंगे इसका तो डेटा एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा। इसरो वैज्ञानिक अभी यह पता कर रहे हैं कि चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर ऊंचाई पर विक्रम अपने तय मार्ग से क्यों भटका। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि विक्रम लैंडर की साइड में लगे छोटे छोटे 4 स्टीयरिंग इंजनों में से किसी एक ने काम ना किया हो। इसकी वजह से विक्रम लैंडर अपने तय मार्ग से डेविएट हो गया। यहीं से सारी समस्या शुरू हुई, इसलिए वैज्ञानिक इसी पॉइंट की स्टडी कर रहे हैं। आपको बता दें कि चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर में लगे ऑप्टिकल हाई रेजोल्यूशन कैमरे से विक्रम लैंडर की और तस्वीर ली जाएगी। ये कैमरा चांद की सतह पर 0.3 मीटर यानी 1.08 फीट की ऊंचाई वाली किसी भी चीज की स्पष्ट तस्वीर ले सकता है। इसरो के वैज्ञानिकों ने इससे पहले कहा था कि अगले 3 दिनों में विक्रम कहां और कैसे हैं इसका पता लगा लिया जाएगा। एक सीनियर साइंटिस्ट ने बताया था कि 3 दिनों में लैंडर विक्रम के मिलने की संभावना है। इसकी वजह यह है कि लैंडर से जिस जगह पर संपर्क टूटा था उसी जगह पर ऑर्बिटर को पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। आखिरी क्षणों में विक्रम अपने रास्ते से भटक गया था, इसलिए हमें ऑर्बिटर के 3 उपकरणों SAR यानी सिंथेटिक अपर्चर रेडार, IR स्पेक्ट्रोमीटर और कैमरे की मदद से 10x10 किलोमीटर के इलाके को छानना होगा। कायम है इसरो की उम्मीद। इसरो चीफ ने कहा है कि लैंडर विक्रम के मिलने की अब भी संभावना है। ऑर्बिटर की उम्र 7.5 सालों से ज्यादा है, ना कि 1 साल जैसा कि पहले बताया गया था। इसकी वजह है कि उसके पास बहुत ज्यादा ईंधन बचा हुआ है। ऑर्बिटर पर लगे उपकरणों के जरिए लैंडर विक्रम के मिलने की संभावना है। इसरो चीफ के सिवन ने कहा कि लैंडर से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। सिवन ने साफ कहा कि ये कोई झटका नहीं है, हम अगले 14 दिनों तक विक्रम से संपर्क साधने की पूरी कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर 130 करोड़ भारतीयों में छाई मायूसी के बीच इस तरह की कोशिश एक नई उम्मीद को जगा रही है। इसरो के वैज्ञानिक अब भी मिशन के काम में डटे हुए हैं। ऐसे में देश पॉजिटिव सोच रहा है। चंद्रयान 2 मिशन 95% सफल रहा है। ऑर्बिटर करेगा बड़े काम। इसरो चीफ ने कहा कि आखिर के 30 किलोमीटर से लेकर सॉफ्ट लैंडिंग तक में 4 फेज आते हैं। इनमें से 3 फेज लैंडर ने पूरे कर लिए। अंतिम में हमारा लिंक विक्रम लैंडर से टूट गया, हम अब तक उससे कम्युनिकेशन स्थापित नहीं कर सके हैं। चंद्रयान 2 मिशन के 2 उद्देश्य हैं, एक साइंस और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है। साइंस पार्ट ज्यादातर ऑर्बिटर के जिम्मे है, जबकि दूसरे पार्ट में लैंडिंग और रोवर था। साइंटिफिक पार्ट में देखें तो ऑर्बिटर में विशेष पेलोड्स हैं और हम इसके जरिए चांद की सतह पर 10 मीटर तक पोलर रीजन में पानी और बर्फ का पता लगा सकते हैं। ऑर्बिटर में हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हैं, पेलोड के कारण काफी नए डेटा मिल सकते हैं। साइंस मिशन हमारा सफल रहा और उससे डेटा मिल रहा है। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट में हम फाइनल फेज में पीछे रह गए, लेकिन इसमें भी 90% से 95% काम पूरा रहा। इसरो चीफ ने कहा कि कुल मिलाकर चंद्रयान 2 मिशन को हम करीब 100% सफल मान रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को पहली बार हमारे ऑर्बिटर के कारण चांद के पोलर रीजन का डेटा मिलेगा। 2008 के चंद्रयान 1 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और इसरो के पूर्व वैज्ञानिक एम अन्नादुरई ने कहा कि ऑर्बिटर तमाम ऐसी चीजें करेगा जो लैंडर और रोवर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, रोवर का रिसर्च एरिया 500 मीटर तक होता, लेकिन ऑर्बिटर तो करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई से पूरे चांद की मैपिंग करेगा।